हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल का हलवा, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे हम चावल का हलवा। सबसे पहले एक गिलास चावल हमें लेना है और इसे मिक्सी में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। चावल अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है, चलिए बना लेते हैं चावल का हलवा। हमें इसे 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम में भूनना है अच्छी तरीके से। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करके 5 मिनट तक फिर से भूनेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा चावल का आटा अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद बनाएंगे चाशनी। चावल का आटा अच्छी तरीके से भुन चुका है, चलिए बनाने के लिए हमें चाहिए शक्कर। 1 गिलास चावल में हम ऐड करेंगे 1 गिलास शक्कर और खोया, साथ ही में ऐड करेंगे इलायची पाउडर और ये हमने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके रख लिया है, इसे भी ऐड करेंगे। चलिए बना लेते हैं चाशनी। बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 छोटा चम्मच घी और इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और इसमें डालेंगे 1 कप, ऐड करेंगे शक्कर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे चाशनी। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी चाशनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का, इसमें हम ऐड करेंगे खोया और इसे अच्छी तरीके से 5 मिनट तक चला लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे चावल का आटा, ऐड करेंगे चावल का आटा और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरीके से चलाते रहना है। चावल का हलवा हमारा बन चुका है, हमने इसे पीसेस में कट कर लिया है और ड्राई फ्रूट से सजा दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।